अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बड़े फिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम सब भी खैरियत से हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बच्चों को रात का खाना खिला रही हैं यहाँ पे। कैसा हुआ बाबू? अच्छा है नहीं? कल रात हमने जो खीमा की रेसिपी बनाई हुई थी, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी हुई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। ये मैं दादी के लिए दवाई निकाल रही हूँ। तो आप ही ये बर्तन धो रही थी तो मैं चली शाम की नमाज पढ़ने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम भी खैरियत से हैं। आज 26 जनवरी है। मैं और अम्मी अभी भी जिक्र कर रहे थे, आप ही नमाज़ पढ़ के 7 बजे स्कूल के लिए निकल गई हैं, सेलिब्रेशन है स्कूल में। ये मैं अब्बा को ऑयलिंग चम्पी कर रही हूँ। ऑयलिंग चम्पी अरमान है मेरी बेटी, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा प्यारा, मेरा मुन्ना जी, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा मोना अरमान बेटा किसका? आप ही कभी वसीम का नानी फरहान का भी है। मेरा बार भी है। फरहान कौन है? तुम्हारे फरहान। मेरा बेटा ना। ऐसा मालिश करा अच्छा दिखता। उठा मुझे उठा। जो मेरा बेटा, मेरा बच्चा की माँ, मेरी बच्ची, मेरा चुप, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, बच्चों को जो है बहलाकर प्यार से ऑयलिंग करनी पड़ती है क्योंकि जिद करते हैं। कौन चला मेरा पैसा चला सर? अकड़ पकड़ उम्मे वो 80 रन में पूरे 100 में निकलता आगा, चोर निकल के भागा, चोर की नानी बैठी थी, चाय गरम, बिस्किट गरम, बेशरम। अरमान देखिए क्यों परिया नाना आपको पूछे। हाय परिया ले अब देता। आज हमने प्रोटीन शेक नहीं बनाई क्योंकि खजूर जो है ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए मैंने ये सब ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर आता है ना, हमने घर में बनाया था। सब ड्राई फ्रूट्स जो है भुन के पाउडर बना के रखे हुए थे, इसका दूध है ये सब। और ये रही अम्मी और दादी के लिए चाय। अबू हाँ चाहिए लो दादी, नहीं खाने हो तो उसमें। इधर से आता है हमारा एक और घर। कमेंट करके बताएं, देखना चाहते हैं तो। ये दादी के कपड़े हैं, आज दादी जाने वाले हैं वापस। सो आज चली जाएंगी तो
कपड़े भी दादी के सूख चुके हैं, इनको फोल्ड करके रखने होंगे। ये मैंने नूडल्स उबलने के लिए रखे हैं ऑयल और सॉल्ट डाल के। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स। इसमें पहले तेल, फिर राई के दाने, फिर करी पत्ता, उसके बाद बारीक चॉप की हुई ऑनियंस, उसके बाद उसको नरम थोड़ा अच्छा ब्राउन करके या फिर थोड़ा सा नरम करके टमाटो और कोरिएंडर धनिया डाल देंगे। फिर अच्छे से मिक्स करके उसमें सूखे मसाले, धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सोया सॉस एंड टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस भी डालनी थी और विनेगर भी डालना था, ख़त्म हो चुका था तो दो ही डाली हूँ। फिर नूडल्स जो है डाले हैं मैंने, फिर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अम्मी जो हैं कंपाउंड धो रही हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, क्लीनिंग डे। ये दोनों को बहुत ही लाड़ो प्यार से, बड़े तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी टब में बैठ के नहाने की जिद कर रहे थे, तो अम्मी टब में बिठा के नहला रही हैं दोनों को। ये हो गए हैं फ्रेश दोनों के दोनों। काफी मुश्किल होता है बच्चों को हैंडल करना, बहुत। कैसा अनमन हस? पानी 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 ला तुम, पहले खा ले पानी। झट पकड़ ले पानी, फोन के ऊपर गिरा लेगा। कस्टर्ड बनाने के लिए इतने सारे ग्रेप्स, एप्पल, बनानास एंड अनार, पोमग्रेनेट। ये मैं कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स काट रही हूँ। अम्मी जो चिकन धोने से पहले उसमें नमक डाल लें क्योंकि अच्छे से साफ़ होता है। फिर से लग गई हूँ मैं फ्रूट्स काटने में, जो कस्टर्ड के लिए चाहिए थे। काफ़ी सारे बनानास जो हैं कस्टर्ड में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बनानास ज़्यादा अच्छे लगते हैं कस्टर्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फ्रूट्स जो है क्लीन करके तैयार हो चुके हैं। अभी ये है सोयाबीन, इसमें नींबू डालते हैं, फिर लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हल्दी, धनिया एंड चिकन मसाला पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर।
चॉप करे सो यस सर रबो रहा है आपका तो ऑलमोस्ट ऑल सोयाबीन इज रेडी। जिस किस को भी कौन सी रेसिपी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी चिकन ग्रेवी जो है बन चुकी है माशाल्लाह। अरमान को जो है बुखार आई हुई थी। बेबी मेरी क्या हो गया मेरी बेबे को बुखार आ गई मेरे शोहर फिर से। बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से बहुत नर्म पड़ चुका है जैसे कि इसके अंदर कोई एनर्जी बची नहीं इस तरह से सोया हुआ है। क्या हुआ मेरे बेटे को अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम सब जो हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं। आंटी भी आई हुई थी आंटी मेरे छोटे आंटी और उनके बच्चे तो लंच के लिए दस्तरखान तैयार कर रहे हैं हम। ये सब के लिए है ये जीजू के लिए निकाले हुए हैं अलग से। ये हमारी चिकन ग्रेवी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम सब खा रहे हैं खाना। आए आप भी ज्वाइन हो जाएं हमारे साथ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा था हर एक आइटम हर एक रेसिपी जो अम्मी ने बनाए थे। इधर अरमान को भी खिलाया जा रहा है बेचारे को बहुत ज़्यादा बुखार हो। उसके बाद हम सब की गॉसिप्स चल रही हैं खाने के बाद जो इतना गौर से सुन रही है। फिर आ गई दादी की जाने की बारी। दादी जब थी तो बहुत अच्छा लग रहा था तो दादी जा रही हैं। अम्मी और अब्बू बाहर जाने वाले थे तो वो ही छोड़ के जा रहे हैं। मैं और आंटी सब नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की असर और मगरिब की बीच में सूरा कहफ पढ़ना बहुत अफजल है क्योंकि इस जुम्मा से और आने वाले जुम्मा तक हमारे जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये रही हमारे शाम की कॉफ़ी दूध। ये है दादी जीजू और अम्मी के लिए चाय। मुझे बहुत ज़्यादा दांत में दर्द दे रहा था तो बच्ची ला के दे रही है मुझे पानी और दवाई। मेरे आंटी जो आई हुई थी वो जा रही हैं उनके घर वापस। फिर फरीहा बता रही है अरमान की स्टोरी। मेरे मामी भी आई हुई थी थोड़ी ही देर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदनी थी उनको तो इधर भी आके गई। बच्चे को जो है बुखार थी तो आप ही और चीजू उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। आप ही और चीजू जाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला जल्दी से वीडियो एडिट करने के लिए। मेरे शौहर का कॉल आया हुआ था तो उनसे बातें करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
आने वाले वीडियोस में, व्लॉग्स में नए नए रेसिपीज देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।